गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज भाई राजिया सर। समान ऊंचाई के दो लंबवृत्ती बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर R2। पहले बेलन का आयतन बराबर B1, दूसरे बेलन का आयतन B2 बराबर पाई R1 वर्ग H बटे पाई R2 वर्ग H। पाई से पाई काट दो, H से H काट दो। R1 का मान रख दीजिए, R1 का मान है 2 का स्क्वायर, R2 का मान है 3 का स्क्वायर बराबर 4/9। तो आयतनों का अनुपात अनुपात बराबर 4:9 आंसर। ये सवाल आपको SW में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊंचाई के दो लंबवृत्ती बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 5:7 का अनुपात है, बेलनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर R2, पाई R1 वर्ग H बट्टे पाई R2 वर्ग H बराबर पाई R1 वर्ग H बट्टे पाई R2 वर्ग H। पाई से पाई काट दो, एच से एच काट दो। R1 है 5 का स्क्वायर, R2 है 7 का स्क्वायर बराबर 5×5=25, 7×7=49। आयतनों में अनुपात
बराबर 25:49 आंसर।